सेट एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है और बहुत बच्चों की डिमांड भी रहती है कि निम्न सेट में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाए। बट देखा जाए कि जैसे जिस तरीके से आप डिमांड करते हैं उस तरीके से डिमांड अगर दी जाएगी तो आप उससे फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब है कि सारे टॉपिक को पार्ट वाइज ब्रेक करेंगे, एक टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को आपके सामने बारी बारी से लाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग चुन रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको ये भी बताएंगे कि किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको पता चल पाए कि सारी मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है। तो आज का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट में आपको बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस इससे आए थे, सारी बातें इससे रिलेटेड बताएंगे, क्वेश्चंस कैसे आए हैं। आप बने रहिए, इसको हम दो या तीन पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले जाएंगे। पहला पार्ट अपलोड कर रहे हैं, आप ज़रूर फीडबैक दें, इस सहारे हम लोग आगे बढ़ेंगे और फीडबैक के सहारे ही हमारा भी मोराल बढ़ेगा और हम सारे धीमे धीमे अभी इसलिए शुरू कर दिया कि लास्ट तक जाएं, तीन महीने तक हर एग्ज़ाम के टॉपिक का एनालिसिस करें जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा हो। अगर आप जानते नहीं हैं तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए निम्सेट 2008 में शुरुआत हुई थी, सारी NITs एक साथ आई और एक एग्ज़ाम निम्सेट के नाम से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ले रहे हैं, शुरुआत से ले रहे हैं, 2008 में निम्सेट में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखें। बहुत बार आ चुका है निम्सेट में, हो सकता है कि एक दो बार आया, बट हर एग्ज़ाम में फ्रेंकली आस्किंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ईजी भी है। क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा आप क्वेश्चन को पढ़ने की प्रयास करें, कोशिश करें। अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं और आपको इक्वेशन बन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 हो। ऑप्शन में ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं तो कोई ना कोई ऐसी इक्वेशन होगी जिसके रूट्स अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 होगा। क्वेश्चन में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि पावर अगर बढ़ा देते हैं, किसी भी रूट्स की पावर बढ़ाते हैं और उसके वैल्यूज़ कुछ टिपिकल या कॉम्प्लेक्स टाइप की आती हैं तो पावर बढ़ा के कैसे होगा, तो बच्चा जब सोचेगा तो थोड़ा डर जाएगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो के रूट्स अल्फा और बीटा जैसे कि दिए गए माने हैं। यहाँ पर दिखाया है कि अगर आपको बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे हैं तो आपको सीधाचार अगर भूल गए तो इस क्वाड्रेटिक के सीधाचार से इस तरीके से हम लोग रूट्स निकालते हैं। यहाँ पे अप्लाई किया गया है इस वाली इक्वेशन, इस वाले फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू रखी गई हैं और दो वैल्यू आएंगी माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई बाई टू। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएंगी, एक वैल्यू यहाँ ली गई, एक वैल्यू यहाँ ली गई। कुछ बेसिक सी बातें जो आपको लर्न करनी होगी अगर आपको नहीं पता है, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू को ओमेगा बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ेंगे तो ओमेगा इस वैल्यू को माना जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्यों माना जाता है, तो इस वैल्यू को नाम ओमेगा दे दिया गया है, जैसे कि इतनी टिपिकल वैल्यू को ना याद करके ओमेगा याद कर लिया है। इस वैल्यू की जगह आप ओमेगा ले सकते हैं और इस वैल्यू की जगह ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब बराबर वन और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ये फॉर्मूला है, आपको लर्न करने हैं, आपको बेसिक जानना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक को आप जानिए, उससे आप इस बात को जान पाएंगे कि कहाँ से आया है, इतना डीप में हम नहीं जा सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू हो गई ओमेगा और बीटा की वैल्यू हो गई ओमेगा स्क्वायर, इस बात को ध्यान दें, क्योंकि हमने इस वैल्यू को ओमेगा माना, इस वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर माना है। हमें रिक्वायर्ड किसकी है, अल्फा की पावर 19, तो ध्यान दें कि अल्फा ओमेगा है तो अल्फा की पावर 19 ओमेगा की पावर 19 होगा। अब देखिए ध्यान दें, ओमेगा की पावर 19 ओमेगा क्यूब बराबर 1 है तो ओमेगा की पावर 19 को भी रिड्यूस करना है। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं तो हम दिखा रहे हैं कि अगर यहाँ पर 6 × 3 और प्लस 1 किया जाए तो 19 बन जाएगा। अब हम क्या करें, ओमेगा की पावर 3 की पावर 6 × ओमेगा कर दें, ओमेगा क्यूब कितना है 1, तो यहाँ कितना आ गया ओमेगा, तो अल्फा की पावर 19 कितना आ गया ओमेगा, और ओमेगा कितना माना गया अल्फा। कहने का मतलब अल्फा की पावर 19 और अल्फा में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। ऐसे बीटा की पावर 7 को भी देखते हैं कि बीटा की पावर 7 क्या बनता है आगे, तो बीटा की पावर 7 बीटा माना गया है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा की पावर 14। अब हम लोग 3 की पावर में इसको भी ब्रेक करते हैं तो 3 × 4 12 हुआ और प्लस 2 कर दिया। तो देखो इसको उसी तरीके से लिखेंगे, ओमेगा की पावर 3 ओमेगा पावर 3 की पावर 4
और प्लस इंटू ओमेगा स्क्वायर। आपको ये पता ही होगा लॉ ऑफ इंडेक्सेस में कि अगर मल्टीप्लाई किया गया है घातें जो पावर्स इंडेक्स हैं अगर वो मल्टीप्लाई होती हैं तो उनको इस ब्रैकेट के साथ इस तरीके से लिख सकते हैं, और इंडेक्सेस अगर जुड़ रही हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ओमेगा क्यूब कितना है 1, तो 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इतना हो गया 1, तो बचा क्या ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर को क्या कंसिडर किया गया बीटा, तो बीटा की पावर 7 कितना हो गया बीटा। जहां से हम चले थे चले का मतलब है कि अल्फा और बीटा से चले थे, जो इक्वेशन दी गई थी उसके रूट्स अल्फा और बीटा थे, और जो इक्वेशन निकालनी थी जिसके रूट्स अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 थे, तो अल्फा की पावर 19 को हमने दिखा दिया अल्फा और बीटा की पावर 7 को दिखा दिया बीटा। कहने का मतलब अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 अल्फा ही बीटा है, तो अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो वो इक्वेशन वही होगी जो दी गई थी। लास्ट में हम दोबारा फिर से कंक्लूड कर रहे हैं, हमने ये दिखा दिया है कि अल्फा की पावर 19 अल्फा है और बीटा की पावर 7 क्या है बीटा है, तो ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा हो, तो अल्फा बीटा इसी इक्वेशन के तो रूट्स हैं, तो ऑप्शन कौन सा आया, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, कौन सा आ गया डी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मिले हुए थे, क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था, बट आपको एक्सप्लेन करने के वजह से थोड़ा सा ये लेंदी लग रहा है, ऐसा है नहीं, पूरे क्वेश्चन को बाद में कंक्लूड करेंगे कि थोड़ा सा लेंदी फिर लगने लगेगा। 2008 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चन आए हैं, पहला क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक को और APGP HP को तीनों को मिक्स कर दिया गया है, तो ध्यान दें हर चीज़ को ध्यान देना, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट ये है कि एक हमने क्यूबिक इक्वेशन कंसिडर की है, उसके अल्फा बीटा गामा खुद से रूट अज्यूम किए हैं, अभी क्वेश्चन से कोई भी लेना देना नहीं है, बेसिक जिससे कि आपको फार्मूला लर्न हो जाए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट का माइनस, और उसको हाईएस्ट डिग्री एक्स क्यूब से के कोफिशियंट से डिवाइड करेंगे। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन ए और अल्फा बीटा गामा डी अपॉन ए, जो बिल्कुल बिगनर है उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बताया गया, और जो पहले से पढ़ चुके हैं वो इस चीज़ को स्किप करें या रिमाइंड कर लें। अब उसी चीज़ को देखो जो दिया गया है यहाँ पे, जो हमारी यहाँ क्यूबिक दी गई है और उसके रूट्स ABC दिए गए हैं, रूट्स ABC दिया है, क्यूबिक दी गई है, प्लस माइनस साइन कन्वेंशन आप जानते होंगे कि सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म को प्लस लेते हैं फिर माइनस अल्टरनेट बाद तक चलते हैं। अब रूट्स यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ना देके ABC दिया गया, तो ए प्लस बी प्लस सी इसका निगेटिव 3P हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA 3Q हो जाएगा, ABC 1 आ जाएगा, उस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें। ज़्यादा डिस्कस करेंगे डीप में जाएंगे तो फिर डिस्कशन और एनालिसिस का मतलब खत्म हो जाएगा। क्वाड्रेटिक के वीडियोस देखिए, अगर आप लैग कर रहे हैं कहीं भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो क्वाड्रेटिक के वीडियोस अपलोड किए गए हैं, आप उनको जाके इंडिविजुअल पहले देखिए। अब आगे बढ़ते हैं, सेंट्रॉइड की बात कर रहा है यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हैं। अगर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं x1, y1 और x2, y2 और x3, y3, 3 अगर पॉइंट्स दिए गए तो सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और ऐसी सिमिलरली समेशन yi अपॉन 3। कहने का मतलब तीनों को जोड़ दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, एब्सिसा जो भी दिए गए हैं तीनों उनको जोड़कर 3 से डिवाइड, और ऑर्डिनेट दिए गए उनको 3 से जोड़कर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये वर्टाइसिस ना देके देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला ये वाला दिया गया, तो वर्टाइसिस को जोड़ते हैं, आप वहाँ ध्यान देते रहे, दोबारा लिखेंगे तो समय लगेगा। देखिए x कोऑर्डिनेट क्या है a प्लस बी प्लस सी बाई 3, और y कोऑर्डिनेट देखिए ध्यान दीजिए तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन e 1 अपॉन c, ध्यान दिया होगा आपने y कोऑर्डिनेट तीनों के ध्यान दिए होंगे और बाई 3 कर देंगे। देखिए इससे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उठाने वाले हैं, इसको हम एलसीएम लेके डायरेक्टली लिख रहे हैं जिससे कि आप एलसीएम ले लेना, बस इतना करना है आपको। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बाई 3, देखिए a प्लस बी प्लस सी बाई 3 की हमें कोई टेंशन नहीं है, अगर यहाँ रखेंगे तो P आ जाएगा, P वाला आंसर आ गया, हमारा A ऑप्शन आ चुका है। हमारा आगे करते हैं हम लोग, जब एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 3ABC और ऊपर आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इनको एलसीएम लेके करेंगे तो यही आ जाएगा। अब देखिए हमें A प्लस B प्लस CB दिया गया है, AB प्लस BC प्लस CA भी दिया गया है और ABC 1 दिया गया। देखिए यहाँ 3Q रखेंगे और बाई 3 कर देंगे तो Q आ जाएगा, और यहाँ पर 3P रखेंगे और बाई 3 कर देंगे P आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A मैच हुआ। 3 बातों को रिलेट किया गया,
निम्सेट में आने लायक क्वेश्चन था, आगे भी आ सकता है या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो जरूर कर लें। क्वाड्रेटिक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे लास्ट वाला क्वेश्चन भी कंसीडर करेंगे। तीन क्वेश्चन से तीनों क्वेश्चन आज की डेट में, यानी कि क्वाड्रेटिक 2008 आज पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। जैसा कि बताया है कि निम्सेट में क्वाड्रेटिक के तीन क्वेश्चन आए थे, तो लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन जो बोर्ड पे दिख रहा होगा तो बड़ा कैलकुलेटिव लग रहा होगा, आप थोड़ा पेशेंस रखें, रूटीन से नहीं लगाया है, थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड अपनाएं जिससे कि आप थोड़ा शॉर्टकट भी अपना पाएं। रूटीन मेथड आप बुक्स में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बुक्स में भी दिया है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि ए बी रूट्स हैं इस इक्वेशन के और सी डी रूट्स हैं इस इक्वेशन के। इत्मीनान से आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें, और ई के बराबर जो दिया गया है इसकी वैल्यू निकालनी, ऑप्शंस देख लीजिए, ये ऑप्शंस हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको इतना से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ट्रिक्स में सबसे पहले आपके दिमाग का सेट होना बहुत ज़रूरी है। इतना से हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे क्वाड्रेटिक यहाँ दी गई है उसी तरीके क्वाड्रेटिक कैसे क्रिएट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, देखो एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन बाई टू को मल्टीप्लाई करके दिखाया यहाँ पे, इसलिए ऐसा किया कि लास्ट टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टू और वन बाई टू लिया तो वन बन जाएगा। हमारा मेन टारगेट था यहाँ वन बना रहा और यहाँ एक्स स्क्वायर, बीच में कुछ भी बनेगा वो पी में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन बराबर जीरो था और हमने ये निकाला है, मतलब ये खुद से माना है, इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे कि ये आया कैसे। मैं बोला कोई भी, जैसे यहाँ पर भी देखिए एक्स प्लस थ्री बाई टू और एक्स प्लस टू बाई थ्री का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कि इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा। तो यहाँ थ्री वन बाई थ्री ऐसा आप लास्ट में नंबर रखिए कि उनका मल्टीप्लाई होकर कितना है वन, तो एक दूसरे के रेसिपी को लोगे तो मल्टीप्लाई होकर वन आएगा। फैक्टर फॉर्म के मल्टीप्लाई करके हमने अपनी तरफ से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी। इतना क्लियर हुआ, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे एक देखो यहाँ निकाल ली ये वाली और एक ये वाली, क्या यहाँ निकाल ली। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के हमने क्या किया, जो इक्वेशन दी थी उनसे कंपेयर करा रहे हैं। तो हमने जो निकाली है खुद से अपनी और जो दी गई है उससे कंपेयर करके हमें पी की वैल्यू निकल गई, और जो हमने ये निकाली और जो दी गई है उससे हमें क्यू मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हमने किया था तो इससे क्या है, इन फैक्टर्स को जीरो करके हमने रूट्स निकाल लिए। तो पहली वाली की ए बी रूट्स हैं तो ए की वैल्यू माइनस वन बाई टू मान ली और बी की वैल्यू माइनस टू, इसको किसी भी ऑर्डर में मान सकते हैं, इसमें कोई ऐसा ऑर्डरिंग नहीं है। ठीक, ऐसे ही हमने यहाँ पर भी रूट्स निकाले, तो यहाँ पर जो क्लियर हो जाए, एक को माना है मैंने थ्री बाई टू जिसको मान लिया सी, और एक को माइनस टू बाई थ्री जिसको मान लिया डी। तो देखिए हमारे पास ए बी सी डी खुद की वैल्यू आ गई। ये कितना भी सिंपलेस्ट आप कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। बस करना क्या है, जब भी आप दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो आपको क्वाड्रेटिक इस फॉर्म की मिलनी चाहिए। वैल्यूज कितने सिंपल फॉर्म में ले सकते हैं ये आपके ऊपर है, ये सीखे जरूर, क्योंकि बहुत सारे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हैं जो वहां पर क्वाड्रेटिक दी जाती है उसके रूट दिए जाते हैं, तो आप खुद से मानकर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिक है अगर लगा पाए तो। अब जो यहां पर एक्सप्रेशन दी गई थी, देखिए बारी बारी से हमने ए बी सी जो भी है, ए बी ए सी की वैल्यू यहां रखी है, बी सी की वैल्यू यहां रखी है, और देखो ए डी की वैल्यू यहां से रखी है, और ये वैल्यू कहां से उठा रहे हैं बताया जा चुका है कि यहां से उठाई है। ठीक, रखते चले गए, सॉल्व किया है तो माइनस 14/9 आ गया। अब जो पी और क्यू की वैल्यू थी ऑप्शन में रखा, तो देखो सारे ऑप्शन चेक करके आप देखें, मगर हमने एक ऑप्शन को दिखाया है, इस वाले ऑप्शन को क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को सॉल्व किया है, तो यहां पर वही वैल्यू मैच खा गई। क्या खा गई मैच, माइनस 14/9। कहने का मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। इसको आप कितने भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन ना हो रहा हो तो ये ट्रिक आपको बताई गई जिससे कि आप क्वेश्चन कर पाए। तो लास्ट वाले क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखेंगे, अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा जल्दीबाजी की गई है, थोड़ा सा लगता है कि तेज कर दिया गया पहले रूटीन से, तो आप उसको फीडबैक में थ्रू में देंगे और जरूर लिखेंगे कि इस टाइप की पहल या निम्सेट की एनालिसिस आपको कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा है तो इसी तरीके से हर टॉपिक को हम लोग सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, ईयर वाइज आपके सामने लाएंगे, सबसे ज़्यादा जो टॉपिक आते हैं उनको पहले करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि कौन से टॉपिक कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी एनालिसिस आपके सामने लाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जो भी बने हुए हैं उसको फीडबैक के थ्रू दें, आगे जाके हम लोग कंटिन्यू कर पाएं। दो या ढाई महीने में आपके सामने सारी एनालिसिस होगी। थैंक यू।